दोस्तों, आपने मुझे इस चैनल में पहले कभी नहीं देखा होगा और मैं इस चैनल में फर्स्ट बार आ रही हूँ। और ये चैनल है मेरे हस्बैंड नीरज का और मैं हूँ उनकी फ्यूचर वाइफ। तो आज आए हम एक अच्छी लोकेशन पे कैंपिंग कर। तो दोस्तों, आज है संडे, तो आज हमने डिसाइड किया कि एक अच्छी कैंपिंग लोकेशन पे जाएंगे और आज आए हम एक सुंदर से लोकेशन पे। तो हो सकता है आज हम यहाँ पे नाइट कैंपिंग करें क्योंकि यहाँ पे लोकेशन भी बहुत अच्छा है और हमारे पास कैंपिंग का भी पूरा सामान है। दोस्तों, अभी हम टेंट पिच करेंगे और दिखाते हैं आपको उसके बाद। आप मिल चुके हो और जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने टेंट आधा पिच कर दिया है, सिर्फ अभी इनर लेयर लगाई है और आउटर अभी बाकी है, वो थोड़ी देर में लगाएंगे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे वो वाटरप्रूफ रहता है तो उसकी ज़रूरत अभी है निकास। तो आज हमने सोचा कि संडे है तो एक कैंपिंग की जाए और पहुँच गए एक बड़े से लोकेशन पर। तो अभी बनाएंगे लंच के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि अभी चिकन पकौड़ा बनाओ, जो कि मैडम की फरमाइश थी और बहुत टाइम से बोला था कि मुझे चिकन पकौड़ा खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज चिकन पकौड़ा ही बनाया जाए। तो अभी उसी के लिए सारा सामान लेके आया हूँ और डिनर के लिए भी है मेरे पास। तो चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मैं ये पुदीना और जो प्याज के पत्ते और ये सब लेके आया था और चिकन वगैरह। तो अभी पहले फटाफट मैं इस सब की कटिंग कर देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस दिखाता हूँ। हो गई है इसमें और अभी मैं जो इसका बैटर तैयार करता हूँ पकौड़े के लिए। तो मैंने ये चिकन डाला और ये सारे वेजिटेबल प्याज और ये प्याज के पत्ते वगैरह, इसमें पुदीना है, प्याज के पत्ते हैं, अब इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा बेसन पड़ेगा। हल्दी
कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो पूजा लगी है मेहनत से पकोड़े बनाने पे। और लोकेशन देखो आप कितनी मस्त है। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे चिकन पकोड़े रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे बने एकदम, और मैंने एकदम करारे करारे, और अभी मैं डालूंगी इसके ऊपर चाट मसाला और नींबू। और आ जाइए दोस्तों आप भी खाने। तो दोस्तों अभी मैं करती हूँ चिकन पकौड़ा टेस्ट कैसा हो रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छा हो रहा है और इसमें थोड़ा पुदीने की चटनी रहती तो और भी अच्छा होता है, बट वैसे भी अच्छा हो रहा है और चिकन का टेस्ट अच्छा आ रहा है। आज मुझे कैंपिंग करके बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट कैंपिंग की नीरज के साथ आज, तो अच्छा लगा। तो लगता है आगे भी हम कैंपिंग करें और अच्छी जगह घूमने जाएँ। आज हमारा ठिकाना रहेगा यहाँ पर, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय टाटा।